अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को स्टार्ट किया था। हमने ये जाना कि सेक्शन 13 बेसिकली डाइवोर्स से जुड़े जितने भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 13 में वो सभी ग्राउंड्स मेंशन हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर इधर हस्बैंड और वाइफ मे प्रेजेंट पिटीशन बिफोर कोर्ट। सेक्शन 13 में कुछ ऐसे स्पेशल ग्राउंड्स भी हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर केवल और केवल वाइफ डाइवोर्स के पिटीशन को प्रेजेंट कर सकती है। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफ में उन सभी 8 ग्राउंड्स को समझा जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर हस्बैंड एज वेल एज वाइफ मे प्रेजेंट डिवोर्स पिटीशन बिफोर कोर्ट। हमने ये जाना कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात करता है एंड देयर आर टोटल 8 ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इधर हस्बैंड और वाइफ मे प्रेजेंट डाइवोर्स पिटीशन। तो इन 8 ग्राउंड्स को हमने ब्रीफ में समझ लिया था। आज इस लेक्चर में हम इन 8 ग्राउंड्स को डिटेल में समझेंगे। राइट, देयर मे बी टू फॉर्म ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के दो फॉर्म हो सकते हैं। पहला कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसे हम वन साइडेड डिवोर्स कहते हैं, और दूसरा म्यूचुअल डिवोर्स, जो कि क्या है, टू साइडेड डिवोर्स है या बोथ साइडेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स या वन साइडेड डिवोर्स में क्या होता है, डिवोर्स पिटीशन इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय आइदर हस्बैंड और बाय वाइफ अगेंस्ट हिज और हर विश। तो कंटेस्टेड डिवोर्स को हम वन साइडेड डिवोर्स कहते हैं। यहां पे जो डिवोर्स पिटीशन प्रेजेंट किया जाता है इन 8 ग्राउंड्स में से किसी एक या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर दूसरे स्पाउस के विल के अगेंस्ट होता है। इट इज अगेंस्ट द विल और इट इज अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस। लेकिन डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि सेक्शन 13 बी में है, जिसे हम टू साइडेड डिवोर्स कह रहे हैं, यहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स में दोनों की सहमति होती है अपने मैरिज को परमानेंट डिसॉल्व कराने की, परमानेंट एंड कराने की, जबकि कंटेस्टेड डिवोर्स में हस्बैंड या तो एक या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर वाइफ के विल के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है या वाइफ हस्बैंड के विल के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है इन 8 ग्राउंड्स के बेसिस पर, जिसमें सबसे पहला है एडल्ट्री। नाउ व्हाट इज एडल्ट्री? हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ देयर मैरिज, ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ देयर मैरिज, इफ हस्बैंड इज सेक्सुअली एक्टिव एंड इज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ एनी अदर वुमेन other than his wife, this is adultery. ये क्या है? Adultery है।
या इफ वाइफ इज सेक्सुअली एक्टिव विथ एनी मैन अदर देन हर ओन हस्बैंड whether that consummation has been done at once, भले ही वो adultery का act एक बार हुआ हो या repeatedly कई बार हो रहा हो, तो during the continuance of marriage, अगर husband ऐसा काम करता है या wife ऐसा काम करती है, तो ये एक ground हो जाता है divorce के लिए. If wife is doing so, then it is ground of divorce for husband to seek divorce petition on the ground of adultery against wife and vice versa, right? तो यहां पे सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री क्या है, इनफ है टू फाइल डाइवोर्स पिटीशन. नाउ एक टर्म है वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स with any person other than his or her own spouse. तो अगर वाइफ ऐसा कर रही है तो वाइफ का फुल कंसेंट है, वो अपने कंसेंट से दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशंस स्टेब्लिश कर रही है, या वाइफ ऐसा या हस्बैंड अगर ऐसा कर रहा है तो अपने फुल कंसेंट के साथ वॉलंटरीली बिना किसी जोर के बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कर रहा है, राइट. और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज राइट. तो ये है एडल्ट्री, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ईदर पार्टी टू द मैरिज में फाइल डाइवोर्स पिटीशन अगेंस्ट अदर. दूसरा क्या है, क्रूरेलिटी, क्रूरता. क्रूरेलिटी इज सेकेंड ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ईदर पार्टी मे फाइल डाइवोर्स पिटीशन अगेंस्ट अदर. क्रूरेलिटी को हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, इट इज मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, और समय समय पर कोर्ट्स इसके स्कोप को इनलार्ज करती हैं, टाइम टू टाइम इस टर्म को इंटरप्रेट करती हैं. तो व्हाट इज क्रूरेलिटी, वो मिसकंडक्ट, वो एक्ट जिसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, विच कैनॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे, विच इज अनरीजनेबल, और आपका वो मिसकंडक्ट दूसरे पर्सन के लाइफ को मिजरेबल बना दे रहा है, या दूसरे पर्सन को किसी भी तरह से लॉस हो रहा है, वेदर फिजिकल वेदर मेंटल, तो ये जो आपका एक्ट है ये क्या है, क्रूरेलिटी है, और इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है. राइट. रसेल वर्सेस रशेल के केस में पहली बार क्रूरेलिटी को डिफाइन किया गया था. हम एक अलग वीडियो में सेक्शन 13 से जुड़े जितने भी केसेस हैं उन्हें कवर करेंगे, अभी के लिए हम इन 8 ग्राउंड्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं. राइट. तो क्रूरेलिटी क्या है, दूसरा ग्राउंड है. एक केस है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह इंटरप्रिटेशन किया कि बार बार दहेज की मांग करना यह क्या है, क्रूरेलिटी है. राइट. या वाइफ बार बार अगर अपने हस्बैंड को ताना दे रही है किसी बात को लेकर के, उसे नीचा दिखा रही है, तो ये भी क्या है, क्रूरेलिटी है अगेंस्ट हस्बैंड. किसी पर्टिकुलर केस में, वो केस मुझे याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वाइफ वाइफ की तरह एक्ट नहीं कर रही है, she is not bearing सिंदूर, तो ये भी क्या है, क्रूरेलिटी है. तो टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने क्रूरेलिटी के मीनिंग को इंटरप्रेट किया है, इसके स्कोप को एनलार्ज किया है.
राइट। तीसरा क्या है? डेजर्शन, डेजर्शन परित्याग। इफ हस्बैंड हैज डेजर्टेड हिज वाइफ फॉर द कंटिन्यू पीरियड ऑफ 2 years, और वाइफ हैज डेजर्टेड हर हस्बैंड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया है, पति अपने पति धर्म को नहीं निभा रहा है, he is not fulfilling his responsibilities, his duties, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है वाइफ के लिए कि वाइफ इस ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। इफ हस्बैंड हैज डिजर्टेड हर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, बिना वाइफ के कंसेंट के, और उसका पूरा इंटेंशन है वाइफ को त्याग कर देने का, तो ये भी क्या है? डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। और यही सारी चीजें वाइफ पर भी एप्लीकेबल है। इफ वाइफ हैज डिजर्टेड हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट हिज विल, देन दिस मे बी कॉन्सिडर्ड एज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब पीरियड क्या है डिसेप्शन का? जिस दिन डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया गया था इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, उस दिन से पिछले 2 सालों से हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्ट कर दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है, और वो अपने पति धर्म का पालन नहीं कर रहा है, पति के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं फुलफिल कर रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, किस ग्राउंड पर, किस रीजन के वजह से उसने वाइफ का परित्याग किया है, और उसने ऐसा किया है उसमें उसका पूरा इंटेंशन है, इंटेंशनली वो ऐसा कर रहा है और वाइफ के विल के अगेंस्ट कर रहा है, तो दिस इज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल फॉर वाइफ। और अगर वाइफ ऐसा कर रही है तो दिस इज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अवेलेबल फॉर हस्बैंड ऑल्सो, राइट। अब जो डेजर्शन है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक एक्चुअल डेजर्शन, यानी हस्बैंड और वाइफ पिछले 2 सालों से फिजिकली एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ एक छत के नीचे तो रह रहे हैं लेकिन उनके बीच हस्बैंड एंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। तो दोनों टाइप का डेजर्शन, और इस डेजर्शन को हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, उस दिन से प्रीवियस 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, राइट। तो एक तो ये हो गया कि विलफुली एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल सेपरेशन है, एक दूसरे के विल के अगेंस्ट ऐसा कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। लेकिन सपोज करो कि अगर यहां पे कोई रीजनेबल ग्राउंड होता और इस रीजनेबल ग्राउंड के बेसिस पर वाइफ ने अगर हस्बैंड को डिजर्ट कर दिया है, तब हस्बैंड डेजर्शन का ग्राउंड नहीं ले सकता है। फॉर सीकिंग डाइवोर्स पिटीशन, क्यों? क्योंकि वाइफ ने ऐसा किया है, उसके पीछे युक्ति युक्त कारण है। जैसे वाइफ के रहते हुए अगर हस्बैंड दूसरी लेडी को या दूसरी पत्नी को लाता है और उसे उसके साथ रखता है, और इस ग्राउंड पर, इस रीजन के वजह से वाइफ ने इसको परित्याग कर दिया है, इसको डिजर्ट कर दिया है, तो यहां पे जो हस्बैंड है वो ये प्ली नहीं ले सकता है कि वाइफ हैज डिजर्टेड हिम, क्योंकि यहां पे वाइफ एक रीजनेबल कॉज की वजह से उसने ऐसा किया है, ठीक है। तो अनरीजनेबल कॉज, अनरीजनेबल ग्राउंड, इंटेंशन, अगेंस्ट विश, दीज आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेजर्शन, राइट। अब जरा सपोज करो हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रह रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर जॉब पोजीशन वो दूसरे जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने मैरिटल बॉन्ड्स, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं। जब कभी भी छुट्टियां होती हैं तो ये दोनों एक साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहां पे डेजर्शन होते हुए भी
डेजर्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज अपने मैट्रिमोनियल बॉन्ड को बचाई हैं, दोनों पार्टीज अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को निभा रही हैं, राइट? एक और हमारा ग्राउंड है विच इज कन्वर्जन। Conversion is another ground on the basis of which non-converting spouse may present divorce petition before the court. Suppose करो कि husband gets converted into any other religion. Husband Hindu था और इसने अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया या किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, जो रिलीजन विद इन द परव्यू ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू रिलीजन में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने जिस समय अपने आप को किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया उस समय उसका जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गया, क्योंकि कन्वर्जन को एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स केवल नॉन कन्वर्टिंग स्पाउस ही यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हस्बैंड ने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है तो ये एक ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स का फॉर वाइफ। तो हमेशा जो कन्वर्जन है एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज अवेलेबल टू नॉन कन्वर्टिंग स्पाउस, राइट? तो कन्वर्जन के बेसिस पर अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा रहा है तो कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना एक आवश्यक शर्त है। जैसे कि गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनी अदर रिलीजन अदर देन हिंदू, स्पाउस मस्ट हैव रिनाउंस्ड हिंदुइज्म एंड कन्वर्जन मस्ट हैव टेकन प्लेस आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन इटसेल्फ नॉट रिजल्टेड इनटू डिवोर्स, क्योंकि कन्वर्जन एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज अवेलेबल ओनली टू द नॉन कन्वर्टिंग स्पाउस, ठीक है? फिर हमारा ग्राउंड है, फिफ्थ ग्राउंड है हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। Unsoundness of mind. तो unsoundness of mind में या unsoundness of mind के basis पर अगर divorce petition file किया जा रहा है तो जो petitioner है उसे दो चीजों को prove करना होगा। पहला, respondent is suffering from incurable अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि जो रेस्पोंडेंट है वो पागलपन के उस रोग से ग्रसित है जिसे अब किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। नेचर ऑफ अनसाउंडनेस इज सच दैट द पेटिशनर कैनॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विथ रेस्पोंडेंट, और जो नेचर ऑफ अनसाउंडनेस है वो इस तरीके का है कि किसी भी हाल में उस व्यक्ति के साथ रहना मुमकिन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विद दैट पर्सन, क्योंकि अगर उसके साथ रहा गया तो वो किसी भी तरह से नुकसान कर सकता है, राइट? तो पहला, दैट अनसाउंडनेस इज इनक्योरेबल इन नेचर, और दूसरा, अनसाउंडनेस इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट इज Not healthy to live with that person. Petitioner को ये दो grounds prove करना होगा। जो छठवां ground है वो है suffering from venereal disease in communicable form. Petitioner को ये prove करना होगा कि जो respondent है, अब यहां पे जो petitioner है वो husband भी हो सकता है और wife भी हो सकता है, कि जो रेस्पोंडेंट है
इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, और इज सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज, यौन रोग से ग्रसित है, और ये जो रोग है ये कम्युनिकेबल फॉर्म में है, संचारी रूप में है, जो कि कम्युनिकेट हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, तो इसलिए उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो लेप्रोसी इज अ ग्राउंड, कुष्ठ रोग इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, वेनेरियल डिजीज इज अ ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स। जो सेवेंथ ग्राउंड है डिवोर्स का, वो ये है कि आइदर स्पाउस हैज रेनाउंस द वर्ल्ड, उसने इस संसार का परित्याग कर दिया है, सन्यासी हो गया है या हो गई है, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता है। और लास्ट क्या है, हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन्स हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव। पिछले 7 सालों से उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, किसी ने उसके बारे में कहीं से कुछ नहीं सुना। इनफैक्ट उसके जितने रिलेटिव थे, जितने उसके जान पहचान के लोग थे, अगर वो जिंदा रहता तो उसके बारे में उन्हें नेचुरली पता चल जाता। तो पिछले 7 सालों से ही और शी हैज नॉट बीन हर्ड बाय एनीवन, पिछले 7 सालों से उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये भी क्या एक ग्राउंड है डिवोर्स का, इफ हस्बैंड इज नॉट नन फॉर लास्ट 7 years देन वाइफ मे सीक डिवोर्स पिटीशन एंड वाइस वर्सा। तो दीज वर 8 ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, एंड दीज ग्राउंड्स आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, राइट।